वेलकम फ्रेंड, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष दे में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी तक अगर आपने दिव्यांग कार्ड मतलब विकलांग कार्ड नहीं बनवाया तो अब ऑनलाइन बनना चालू हो गया। फ्रेंड्स, आप घर बैठे अपने मोबाइल से दिव्यांग कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको किस तरह से अप्लाई करना है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप कर देना है UDID। तो यहाँ पे आपको UDID लिख लेने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला लिंक देखने के लिए मिल रहा है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस वाले लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं UDID का जो ऑफिशियल पेज है कुछ आपको इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना है क्या, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है, अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDID कार्ड। तो यहाँ से आप अपना UDID कार्ड मतलब दिव्यांग कार्ड को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वाले ऑप्शन पे टच करते हैं। इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही टच करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो देखने के लिए मिल जा रहा परसेंट विद डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 4 पॉइंट को फॉलो करना होगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद डिसेबिलिटी डिटेल्स, आपका क्या विकलांग है, आप किस तरह के दिव्यांग है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने होंगे, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और आइडेंटिटी डिटेल्स। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके चारों डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फिल होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स, मतलब आपका जो पर्सनल डिटेल्स है उसमें आपका नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपका नाम को फिल कर देना है। उसके बाद एप्लीकेंट मिडिल नेम, आपका मिडिल नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सरनेम को फिल कर देना है। तो यहाँ पे आपका नाम को फिल कर देने के बाद आपको एक बार यहाँ पे हिंदी में भी टाइप करना होगा, जैसे कि आवेदक का पहला नाम, आवेदक का मध्य नाम, आवेदक का उपनाम। फिल कर देने के बाद यहाँ पे आपको करना है क्या, एप्लीकेंट फादर नेम, आपके पिता का नाम यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद एप्लीकेंट मदर नेम, आपके माँ का नाम यहाँ पे फिल करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसी तरह यहाँ पे एक बार आपका फिर हिंदी से पिता का नाम डाल देना है और माता का नाम को फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो जेंडर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको टच करना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर हैं, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, अगर आपके ईमेल आईडी है तो आप यहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फिल कर देना है। उसके बाद कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो उसके लिए आपको यहां पे टच करना है। टच करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पे जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है और अदर है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेने के बाद उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टच किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या, मटेरियल स्टेटस, आपका जो मटेरियल स्टेटस है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको टच करना होगा। यहाँ पे जैसे टच करते हैं आप देख सकते, मैरिड फिल करना होगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड फिल करना होगा, विडो है या डाइवोर्स है या डाइवोर्स और विडो दोनों है, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्पाउस नेम, आपका जो मिसेस है, आपका मिसेस
के नाम को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है रिलेशन विथ PWD, तो यहाँ पे पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो आपका क्या रिलेशन है वो रिलेशन आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके लिए यहाँ पे आपको टच करना है, जैसे ही टच करते हैं आप देखते हैं फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, अंकल, आंटी, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, नेम ऑफ गार्जियन केयर टेकर, मतलब आप किसके देखभाल में हैं, आपका देखरेख कौन कर रहा है, आपका गार्जियन कौन है, वो यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपके जो गार्जियन का जो केयर टेकर का जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो को अटैच करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो 15 KB से लेकर 30 KB तक का होना चाहिए, और वो जो JPG या GIF और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फोटो चूज कर लेना है। चूज कर लेने के बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर, थंब एंड अदर प्रिंट, अगर आप सिग्नेचर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आपका थंब का जो फोटो है वो स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, या आप अगर सिग्नेचर जानते हैं तो आपका जो सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इतना सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस को यहाँ पे सही से फिल करना है। एड्रेस को फिल कर लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो स्टेट को फिल कर लेना है, तो यहाँ पे आपको टच करना होगा। जैसे ही टच करते हैं यहाँ पे भारत के जितने सारे स्टेट है सारे स्टेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपका जो स्टेट है वो स्टेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी, तो अगर आपका जो यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट है या सिटी है या तहसील है आपको वो फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपके शहर का नाम को यहाँ पे फिल करना होगा, या आप ग्रामीण क्षेत्र से मतलब विलेज में रहते हैं तो आपको यहाँ पे आपका विलेज को सिलेक्ट कर लेना है। विलेज को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपका जो एरिया का पिन कोड है, आप जिस पिन कोड पे रहते हैं वो पिन कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड सिलेक्ट कर लेने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उस एड्रेस का आपको यहाँ पे एक फोटोकॉपी को अपलोड करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा कि आप कौन से फोटोकॉपी को अटैच करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है प्लीज सिलेक्ट नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको टच करना है। यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आधार कार्ड का जो स्कैन कॉपी है उसको आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच कर देने के बाद आपका यहाँ पे अगर ऊपर का जो एड्रेस है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे टिक आउट कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम एज अबव, तो यहाँ पे आपको टिक आउट कर देना है। और अगर आपका एड्रेस चेंज है, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस कुछ और है, तो आपको यहाँ पे एक बार फिर से एड्रेस को फिल कर देना है। यहाँ पे एड्रेस को सही से फिर से फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स पे फिल कर देना, तो आपका क्या एजुकेशन है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे आपको एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप अगर प्राइमरी में पढ़े हैं, सेकेंडरी में पढ़े हैं, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा, तो यहाँ पे आपका जो एजुकेशन है वो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी डिटेल्स, तो डिसेबिलिटी डिटेल्स को सही से फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है डिसेबिलिटी परसेंटेज, तो आपका परसेंटेज कितना है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे आपको ये फिल कर देना है मेडिकल अथॉरिटी से है या चीफ मेडिकल ऑफिस से है, इस पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद डिसेबिलिटी टाइप, आपका डिसेबिलिटी किस तरह का है, आप अंधे हैं या यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है या हियरिंग इम्प्रूवमेंट है, अगर आपको
सुनने में परेशानी है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहे हैं। तो आपको किसी एक पे टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे करना है डिसेबिलिटी बाय बर्थ। अगर आप जन्म से डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, और अगर आप जन्म से डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी सिंस, आप कब से डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, कौन से साल से आप है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पेंशन कार्ड नंबर, तो अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी एरिया, आपका कौन सा एरिया में डिसेबिलिटी है, जैसे कि चेस्ट में है, ईयर में है, हेड में है, तो मैं आपको यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट आई, लेफ्ट हैंड, इसके बाद नोज, शोल्डर, थ्रोट, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जानकारी, अगर आप एम्प्लॉयमेंट हैं तो इस वाले ऑप्शन को फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एम्प्लॉयड अगर आप हैं तो यहाँ पे यस, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो, अगर आप एम्प्लॉयमेंट हैं तो कब से हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है, आप गवर्नमेंट जॉब हैं या प्रोफेशनल या टेक्निकल एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे आपका जो है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएल एपीएल अगर आपके पास कार्ड है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, अगर आपके पास APL कार्ड है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, या BPL है तो यहाँ पे टिक कर देना है, या अगर आपके पास अंत्योदय कार्ड है तो आपको इस वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, और अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे NA वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पर्सनल इनकम, आपका एनुअल इनकम कितना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फादर का एनुअल इनकम कितना है और आपका जो मिसेस है उसका एनुअल इनकम कितना है, ये सारा चीज को फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है आइडेंटिटी डिटेल्स, ये ऑप्शन को आपको फिल करना होगा। उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैच आइडेंटिटी प्रूफ, आपके पास क्या प्रूफ है वो आइडेंटिटी के लिए आपको यहाँ पे डालना, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या राशन कार्ड या वोटर कार्ड या आधार कार्ड, तो यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ का डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा और उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, अगर आप आधार नंबर डाल रहे हैं तो यहाँ पे आधार का आइडेंटिटी प्रूफ दे रहे हैं तो यहाँ पे आधार नंबर, पैन का दे रहे हैं तो यहाँ पे पैन नंबर, तो यहाँ पे आप जिस चीज का आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर रहे हैं उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा, और यहाँ पे आपको एनी अदर स्टेट, कोई भी स्टेट अगर आपका है तो वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपका जो UDID की तरफ से एक रेफरेंस नंबर को दिया जाता है, उस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रख लेना है और आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाता है। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपना दिव्यांग कार्ड मतलब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।